Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Medical College में महिला मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने एक जूनियर चिकित्सक मनीष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वहां जमकर हाथापाई हुई। इस घटना के विरोध में बीती रात से ही जूनियर चिकित्सकों ने कामकाज ठप कर दिया है। आज मेडिकल कॉलेज परिसर में सभी धरना देकर बैठ गए हैं। जूनियर चिकित्सकों का कहना है कि उनकी कोई मांग नहीं है, लेकिन असुरक्षा के इस माहौल में वह अपनी जान देने को तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। इस दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि यहां चौकी तो बनी है, लेकिन वहां पुलिस तैनात नहीं थी। सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन उनमें रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। जूनियर चिकित्सकों ने सवाल खड़ा किया कि ऐसे हालात में वह मरीज की जान बचाएं या फिर अपनी। पहले देखिए धरनारत चिकित्सकों को। मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे जूनियर चिकित्सकों से आज फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने बात की। प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर अर्चित जैन ने यह जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अर्चित जैन है, मैं मेडिसिन फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में। हाँ, मैं ड्यूटी पर था जब यह हादसा हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ था, लगभग 9:30 बजे के अराउंड एक पेशेंट आया था, तो अंदर ये एम्बो बैग पे डायरेक्ट आ गया था बिना किसी पर्चे के, और आते हुए इसका अटेंडेंट फोन खोल के ही आया था और बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहा था कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो जब हम पेशेंट को देखने गए तो एक इंटर्न था वहाँ पे जो एम्बो कर रहा था, तो इसके साथ वाले लगातार उसको इंटर्न को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो जब उसको इंटर्न को बचा के हमने थोड़ा साइड करने की कोशिश करी तो उन्होंने एकदम से चार पांच लोग थे, उनमें से एक ने हाथ उठा दिया तो दो तीन लोगों ने मारना चालू कर दिया। तो इंटर्न और मेरे को दो तीन थप्पड़ पड़े थे। इतने में हमारे सीनियर हैं डॉक्टर मनीष, जो सर्जरी में सेकंड ईयर रेजिडेंट है, वो बीच बचाव करने के लिए हमें बचाने के लिए आए। तो जो एक अटेंडेंट उनका थोड़ा तगड़ा सा था बड़ा, उसने एक ब्रेंच लेके बॉस के सिर पे 3 से 4 बार वार कर दिया बहुत तेज, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। ये करके वो भाग गया, बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था तो हम उसको पकड़ नहीं पाए। हाँ, पुलिस में शिकायत करी है, कल रात हमारी इंस्टीट्यूशनल FIR हुई है प्रिंसिपल सर की तरफ से लगभग, लेकिन उसमें 2 घंटे लग गए थे जी। मैं डॉक्टर अर्चित नारायण हूँ, JR1 मेडिसिन। कल रात मैं भी ऑन ड्यूटी था डॉक्टर अर्चित जैन के साथ। जैसा कि उन्होंने बताया कि मरीज का अटेंडेंट आके अंदर हल्ला गुल्ला कर रहा था, काफी गाली गलौज कर रहा था, इंटर्न को मारपीट करने की धमकियां भी दे रहा था। उस चक्कर में डॉक्टर जैन उन्हें इंटर्न को पीछे बचाने के लिए गए और उन्होंने इंटर्न और जैन को पकड़ लिया, जो भी 2-3-4 लोग थे उनके साथ। उसके बाद फिर बीच बचाव करने के लिए मैं और डॉक्टर मनीष, जो हमारे सीनियर हैं जिनके सिर पे चोट आई है, वो वहाँ गए थे और पीछे खींचते खींचते झपटा झपटी की उन्होंने। उसके बाद उनके साथ जो तगड़ा सा आदमी था, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खोलने के लिए एक रेंच यूज करते हैं, वो खींच के 3 से 4 बार डॉक्टर मनीष के सिर पे मारी। उसके बाद वो फरार हो गया और उसके साथ वाला एक बंदा पकड़ा गया था। और उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कराई गई, बट उस समय कोई गार्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हम बुलाते रहे, कोई नहीं आया। पुलिस को भी आने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगे। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक व्यवस्था हो कि कम से कम कुछ सिक्योरिटी, प्रॉपर फंक्शनिंग CCTV कैमराज हो। हमारे पास रिकॉर्डिंग तक ढंग की नहीं है उन अपराधियों की, नहीं। डॉक्टर साक्षी ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को घटना की जानकारी देते हुए गंभीर सवाल भी खड़े किए। देखिए,
मेरा नाम डॉक्टर साक्षी है, मैं आरडी प्रेसिडेंट हूँ मीरठ की। अगर जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कल रात इंसिडेंट हुआ, एक पेशेंट ब्रॉड डेड यहाँ पे मैं इमरजेंसी में दिखाने आई थी और उसके साथ तो एक इंटर्न भी आया था जो पैरालाल से भेजा गया था। उसके जो तीमारदार थे उन्होंने आके बदतमीजी करनी शुरू की, जैसे उसके ऑक्सीजन और उसको पेशेंट का सैचुरेशन देखा जा रहा था, उसको इवेलुएट किया जा रहा था। इतने में उसी का जो अटेंडेंट मतलब पेशेंट का जो लड़का था, बेसिकली वो पता नहीं क्या उसको गुस्सा चढ़ा क्या हुआ, उसने हमारे रेजिडेंट को जो ऑक्सीजन पाइप खोलने का रेंच होता है उससे उसने मारना शुरू किया। उसको क्या कहता है, सर पे कई जगह चोटें आई हैं, उसमें टांके लगाने पड़े हैं और अभी भी वो ग्रीवियस हर्ट में, वो एडमिटेड है हमारा रेजिडेंट और उसको अभी भी क्या कहते हैं होश नहीं आया, वो सिडेटिव्स पे है, उसको इतना सर में दर्द और जो भी चोट लगी है वो बहुत ग्रीवियस हर्ट में है। तो इस वजह से बेसिक हमारी कोई और डिमांड नहीं, हमारी बेसिक सेफ्टी की ही डिमांड है। हम कोई यहाँ को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाह रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से जो पिछला वेस्ट बंगाल में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस आई थी कि इमरजेंसी और जहाँ भी हॉस्पिटल्स में वर्किंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ गार्ड रहे। कल रात यहाँ पे कोई गार्ड नहीं था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे चौकी बनाई गई है, वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था जो कि रात में उसके इंसिडेंट के बाद बिठाए गए हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ पे लगे हुए हैं उनमें लाइव स्ट्रीम हुई लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसके एविडेंस के नाम पे कि हमें बदाम दिखा जा सके कि डॉक्टर्स कितने बुरी तरीके से ग्लास भूसे और जो भी चीज़ें वो हाथ में ला के मार सकते थे मारा गया। तो बेसिकली ये है कि अगर हम इतने अनसेफ डिपोज में काम करेंगे तो उससे बेटर हम रिजाइन देंगे। हम अपनी जान से खेल के काम नहीं कर सकते, पहले हम अपनी जान बचाएंगे तभी हम किसी और की जान बचा सकते हैं। नहीं, किसी ने कोई सहायता नहीं करी। वहाँ के वो और भी पेशेंट्स बैठे हुए थे, उनके तीमारदार भी बैठे हुए थे, डॉक्टर्स पिटते रहे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। देखिए हमने हर तरीके से न्यूज़पेपर जो भी निकाल सकते हमने निकाला है क्योंकि ये बहुत गलत था, लेकिन वो उनके ऊपर है वो किस गंभीरता से इस मैटर को लेते हैं। डॉक्टर्स का रोज का हो गया है कि पहले कहीं कोई पिट रहा है, कहीं कोई पिट रहा है, ये तो बहुत क्या कहा जाए, इसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।